21 अगस्त होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल कोलकाता में आयोजित मेटल्स कॉन्क्लेव 2024 में उद्योग जगत के नेता, एमएसएमई प्रतिनिधि और प्रमुख हितधारक एक साथ आए और उन्होंने आज मेटल सेक्टर के सामने आने वाले अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की। एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम पश्चिम बंगाल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में एमएसएमई और स्टार्टअप एक्सेलरेटर और मैजिकल मंत्रा प्राइवेट लिमिटेड जैसे प्रमुख संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में व्यवहारिक पैनल चर्चा, नेटवर्किंग के अवसर और दूरदर्शी संवाद हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ उद्घाटन समारोह से हुई, जिसके बाद राष्ट्रगान और पारंपरिक स्वागत नृत्य हुआ। इसके बाद विशिष्ट अतिथियों और उपस्थित गण्यमान्य व्यक्तियों का परिचय कराया गया। कार्यक्रम की पैनल चर्चा में धातु क्षेत्र में अवसर और चुनौतियों विषय पर चर्चा हुई। एमएसएमई विकास मंच के वरिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट के निर्देशक विभोर टंडन ने इस सत्र का संचालन किया। पैनल ने धातु उद्योग के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। सत्र में उद्योग जगत की जानी मानी हस्तियों ने भाग लिया, जिनमें शामिल रहे बेस मेटल्स एमसीएक्स के प्रमुख चित्तरंजन रेंगे, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया टिम्बर मर्चेंट्स सॉ मिल्स एंड अलाइड इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष नवल केडिया, लघु उद्योग भारती LUV के राष्ट्रीय कार्यकारी और FASIII के अध्यक्ष सरोज साहू। इसके बाद MSME के लिए धातु क्षेत्र में वित्त पोषण विषय पर पैनल चर्चा हुई। एमएसएमई विकास मंच की उपाध्यक्ष और मंत्रा समूह की निर्देशक सुश्री प्रज्ञा झुंझुनवाला ने इस सत्र का संचालन किया और धातु क्षेत्र में एमएसएमई के लिए वित्त पोषण विकल्पों की खोज की। युवा शक्ति से बात करते हुए सुश्री प्रज्ञा झुंझुनवाला ने कहा कि हावड़ा और शिल्पांचल में बहुत सारे छोटे उद्यम चल रहे हैं, जिन्हें उचित गाइडेंस की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ कई बैंक जुड़े हुए हैं जो हमारे इकोसिस्टम का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में 100 से ज्यादा एमएसएमई के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। वाइस प्रेसिडेंट एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम एंड डायरेक्टर एमएसएमई एंड स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स। तो हम लोग ये जो आज इनिशिएटिव लिए मेटल्स कॉन्क्लेव 2024, इसका बहुत बड़ा उद्देश्य ये है कि हमारे पश्चिम बंगाल में जो एक हब है स्टील मेटल इंडस्ट्री का, आप चाहे दूलागढ़ चले जाइए चाहे हावड़ा चले जाइए, इतनी सारी फैक्ट्रीज़ हैं। तो हम लोग इंडस्ट्रीज़ वालों को बहुत ज़रूरत है कि वो जहाँ पर हैं उससे आगे बढ़ने के लिए उन लोगों को वर्कशॉप्स करनी होती है, नए ज़माने में क्या चल रहा है वो जानना होता है। प्लस जो छोटे MSMEs हैं जो इस सेगमेंट में थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं लेकिन उनको ऐसी स्ट्रैटेजीज़ नहीं है कि हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं और हम लोग को कैसे फाइनेंसिंग मिल सकती है। तो अगेन MSMEs के जो चार पिलर्स होते हैं, फाइनेंसिंग होती है, स्ट्रैटेजीज होती है, बैंकिंग सपोर्ट होता है, फिर उनको MSME की गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज़ के बारे में जानकारी होती है, डिजिटल सपोर्ट होता है। तो ये जो सारा इकोसिस्टम है उसी में हम लोग की ये एक और बहुत प्रभावी वर्कशॉप रही, आज सेमिनार रहा जो मेटल्स कॉन्क्लेव इंडस्ट्री स्पेसिफिक। आज बहुत खुशी हो रही बताते हुए कि हमारे साथ आज 30 से ऊपर इंडस्ट्रियलिस्ट जुड़े, हमारे साथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिस आए जिन्होंने जेड सर्टिफिकेशन स्कीम के बारे में बताया जो सेलिब्रेशन ऑफ एक्सीलेंस है, ताकि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे किस तरह से MSME स्कीम्स और सब्सिडीज़ का लाभ उठाते हुए जेड सर्टिफिकेशन करें। हमारे साथ जुड़े बैंकर्स ICICI बैंक वगैरह हमारे साथ जुड़े, इनफैक्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के भी जोनल मैनेजर आए, तो इनकी प्रेजेंस दर्शाती है कि ये सारे इकोसिस्टम को सपोर्ट करना चाहते हैं। हमारे संग जुड़े MCX के नेशनल हेड फॉर मेटल्स जिन्होंने बताया कि किस तरह हम लोग कमोडिटीज़ में हेजिंग कर सकते हैं। हमारे संग जुड़ी NSC के अविक गुप्ता जी जिन्होंने बताया कि अगर हम लोग को फिनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो किस तरह हम लोग IPO भी ला सकते हैं और अभी से हम लोग किस तरह अपनी बैलेंस शीट्स बना सकते हैं। तो इस तरह अलग अलग वर्टिकल्स में जानकारियाँ। फिर हमारे साथ जुड़े NSTI के रीजनल डायरेक्टर जिन्होंने बताया कि किस तरह अप्रेंटिसशिप वो इस सेगमेंट में दे सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल्स, स्किल्ड लेबर, ये सब की भी रिक्वायरमेंट होती है ना। तो हम जब MSMEs की बात करते हैं, एक होता है कि कैसे परचेज वाला पोर्शन है कि अपने वेंडर्स का कैसे वो बेस्ट वेंडर्स मिले, एक होता है सेल्स एंड मार्केटिंग। तो ये दोनों को इंटीग्रेट करने का ये आज का बहुत ही सक्सेसफुल सेमिनार रहा। और आज हमारे साथ
100 से अधिक MSMEs की उपस्थिति इस चीज़ को दर्शाती है कि हम लोग को इस तरह के और प्रोग्राम्स करवाने होंगे। धन्यवाद। युवा शक्ति से बात करते हुए MSME डेवलपमेंट फोरम के वरिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट विभोर टंडन ने कहा कि इस तरह से आयोजनों से मेटल इंडस्ट्री को बहुत लाभ होगा। आज के आयोजन में ICICI बैंक, MCX आधुनिक TMT बार का भी समर्थन हासिल था और कई चैम्बरों ने भी शिरकत की। हमारा जो इवेंट था MSME डेवलपमेंट फोरम और मासा यानी MSME एंड स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स जॉइंटली विद मंत्रास फाउंडेशन, एशियन अफ्रीकन चैम्बर, इनके साथ था। हमको सपोर्ट किया था इसमें काफ़ी हद तक MCX जो कि कलकत्ता का इंडिया का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है, ICICI बैंक वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स इन इंडिया और NSCI जो कि एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और इसके माध्यम से हमने मेटल्स के ऊपर एक कॉन्क्लेव किया। स्टील और मेटल्स ये दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है जहाँ तक पूरी इकोनॉमी का सवाल है, जहाँ तक पूरे ओवरऑल इकोसिस्टम का सवाल है। इस पूरे इकोसिस्टम में बिना रॉ मटेरियल्स के काम नहीं आगे बढ़ सकता और इसकी वजह से इस इंडस्ट्री के बारे में समझना, इसकी अपॉर्चुनिटीज़, इसके रिस्क्स और इसके चैलेंजेस को समझना और किस तरीके से इनको समझ के इसमें और भी ऊपर जाया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है, इसके ऊपर ही हमारा ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रयास था, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास था। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं ये सारे पार्टिसिपेंट्स इस पूरी सुविधा को जो हम MSME डेवलपमेंट फोरम मासा इनके माध्यम से दे रहे हैं, इसके माध्यम से जो हम बढ़ावा दे रहे हैं MSMEs को, छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को, उद्योगों को, वो मेटल से रिलेटेड और इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने में हम उनका पूरा सहयोग करें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जोनल प्रमुख PC खुराना ने युवा शक्ति को बताया कि हम केंद्र व राज्य सरकार की कई कई योजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं जिससे कि बंगाल में MSME क्षेत्र का और विस्तार हो सके। हेलो, आई एम PC खुराना, जोनल हेड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और जो आज ये MSME का प्रोग्राम हुआ है, रियली वेस्ट बंगाल जो सेकंड हब है पूरे इंडिया का MSME का, और बहुत कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉयमेंट के लिए और इसमें वुमेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा 60% से ज़्यादा ही एम्प्लॉयमेंट होती है इसमें। और वी आर द PSU बैंक, जो हम भी, हमारा भी सेंट्रल बैंक भी ऑफ इंडिया भी PSU बैंक है और हम इसको इनकर्ज करते हैं और इनकी सारी प्रॉब्लम्स हम लोग नॉर्मली हम लोग कस्टमर मीट करके इनकी देखते हैं सब कुछ। और हमारे सस्ते रेट पे, वेरी चीप रेट पे बहुत सी स्कीम्स हैं, यहाँ की लोकल स्कीम्स भी हैं, विश्वकर्मा कार्ड भी है, जैसे वेस्ट बंगाल भविष्य कार्ड भी है और छोटी स्कीम जितनी भी हैं वो उसके लिए मुद्रा स्कीम भी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उसमें हम लोग लोन कर रहे हैं। और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है मे भी अप टू 25 करोड़, बड़ा ईजिली हम लोग लोन वेरी कोलेटरल फ्री भी देते हैं, जैसे अप टू 1 करोड़। तो ये अगर हमारी उसमें स्कीम्स हैं, GST रिलेटेड भी स्कीम है और छोटी छोटी बहुत स्कीम है जिसमें हम लोग पैसा देते हैं। और हम लोग MSME मैक्सटी पूरी इकोनॉमी की जान है और दैट इज़ बैकबोन ऑफ इंडिया एंड वी इनकर्ज दिस। थैंक यू। अग्रवाल स्टील के उत्तम अग्रवाल ने कहा इस तरह के कार्यक्रम से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आज का MSME डेवलपमेंट फोरम का ये जो प्रोग्राम था बहुत ही बढ़िया था। मैंने MCX का जो प्रेजेंटेशन था वो भी सुना, काफ़ी जानकारियाँ मिली और इस तरह के प्रोग्राम कलकत्ता में कम होते हैं बट इस प्रोग्राम में आके काफ़ी अच्छा लगा। प्रमुख पैनल लिस्टों में शामिल थे NSE लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक अभिक गुप्ता, MSME विकास मंच की अध्यक्ष CS डॉक्टर ममता बिनानी, MSME DFO के असिस्टेंट डायरेक्टर सुदीप पॉल ने JDE प्रमाणन योजना के बारे में जानकारी दी। विशेष प्रस्तुतियां और नेटवर्किंग सत्र में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर नवल किशोर अरोड़ा ने कुशल श्रम पूर्ति पर एक आकर्षक वीडियो प्रस्तुत किया जिसमें कुशल श्रम के लिए उद्योग की मांगों को पूरा करने में NSTI की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में एशियन अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया
सहित महत्वपूर्ण संगठनों के योगदान को भी मान्यता दी गई। सम्मेलन का समापन एक आकर्षक ओपन हाउस सत्र के साथ हुआ, जहां उपस्थित लोगों ने चर्चा और एक प्रश्नोत्तरी में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसने दिन के दौरान साझा की गई सामूहिक अंतर्दृष्टि को और समृद्ध किया गया। उल्लेखनीय है कि धातु सम्मेलन 2024 उद्योग जगत के बीच संबंधों को बढ़ावा देने और धातु क्षेत्र को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। 30 से अधिक निर्माताओं और उद्योग जगत के नेताओं की भागीदारी ने उद्योग को आगे बढ़ाने में कुशल श्रम, वित्त पोषण और नियामक ढांचे को महत्व को रेखान्वित किया। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की एक खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।